अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ लाहौरी पराठा, या जिसे लच्छा पराठा भी कहते हैं। इसकी बहुत ही आसान रेसिपी है, आप इसे बनाकर फ्रीज भी कर सकते हैं और सहरी में सुबह सुबह नाश्ते में आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसके लिए हमने सबसे पहले ले लिया है मैदे का आटा। आप चाहे तो गेहूं का आटा भी इसमें मिक्स कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको बाहर जैसे बनाने हैं तो आप मैदे का आटा ही इस्तेमाल करें। 3 कप मैदे का आटा मैंने लिया है। अब इसमें हमने ऐड करना है थोड़ा सा नमक, टेस्ट के अकॉर्डिंग हम इसमें नमक ऐड करेंगे, और 2 टेबलस्पून जितनी हम इसमें शुगर ऐड करेंगे। बारीक पीसी हुई शुगर ऐड करेंगे, इससे जो पराठे में सुनहरा रंग बहुत अच्छा आता है, एकदम कमर्शियली जो मिलते हैं उस तरीके से आपको पराठे बनके रेडी हो जाएंगे। 1 कप पानी पूरा मैंने मैदे में डाल दिया है और उसके बाद मिक्स कर लेंगे। जितना पानी मैदा लेता है उसे हम साइड में कर लेंगे और सूखे मैदे में फिर से दोबारा पानी लगा लेंगे जितना आपको लगे, क्योंकि मैदे मैदे की क्वालिटी अलग होती है, कभी ज़्यादा कभी कम लगता है, इसीलिए थोड़ा देख कर ही हम इसमें पानी ऐड करेंगे। ज़्यादा भी नरम हमें आटा नहीं लगाना है, नॉर्मल आटा होना चाहिए। टोटल मुझे 1.5 कप पानी लग चुका है 3 कप मैदे के लिए, आपको कम ज़्यादा हो सकता है पानी। अब इसे अच्छी तरीके से गूंदना है हमें, लगभग 10 से 15 मिनट के लिए अच्छी तरीके से गूंदना है। आप देख सकते हैं अभी मैदा बहुत चिपचिपा सा है आटा हमारा, हमें इसे अच्छी तरीके से इतना गूंदना है कि आटा एकदम स्मूथ हो जाए। आप चाहे तो किसी बड़े परात में भी इसे गूंद सकते हैं, या फिर टेबल पर भी आप इसे अच्छी तरीके से गूंद लें। पराठे की रेसिपी बहुत ही इजी है और बहुत ही यम्मी बनके रेडी होते हैं। आप इसे चाहे सहरी में खाएं या फिर आप इफ्तारी में किसी सीख या फिर कबाब के साथ इसे सर्व करें, बहुत ही मज़े के लगते हैं। इस तरीके से मैंने इसे भून लिया है 15 मिनट तक अच्छी तरीके से। अब इसे रेस्ट देंगे हम आधे घंटे के लिए, तेल लगा कर रखेंगे ताकि ऊपर की सरफेस ड्राई ना हो। अब आधा घंटा हो चुका है, मैंने ले लिया है ये मेल्टेड घी है, इसमें हम तेल इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि तेल से स्मेल आने लग जाती है, कि हमें इसे प्रिजर्व करके फ्रीज़र में रखना है। और इस तरीके से मैंने रेक्टेंगुलर बटर पेपर काट लिए है, वो साइड में रख लेंगे। पहले हम सारा ही आटा टेबल पर निकाल लेंगे और उसे इक्वल पोर्शंस में डिवाइड कर लेंगे। किचन टेबल पर हम आप जिस पर भी बना रहे हैं उस पर हमें सबसे पहले घी लगाना है, और एक बेड़ा लेकर हमें इस तरीके से हाथों की मदद से इसे स्ट्रेच करना है। हमें उंगलियों की मदद से ही इसे इस तरीके से फैलाते जाना है, बेलन का इस्तेमाल नहीं करना है, बहुत इजीली हो जाता है ये। घी लगाकर ही हमें इसे स्ट्रेच करना है, बिल्कुल भी हम इसमें आटा नहीं लगाएंगे, इतना हमें स्ट्रेच करना है कि आटा जो है रिटर्न वापस आए ना, मतलब जैसे हम फैलाए वो वापस अपनी जगह पर ना आए बल्कि और अब फैलते जाए। इतना पतला करेंगे कि हमें टेबल अच्छी तरीके से नज़र आए, जो भी हम नीचे रखा है वो नज़र आने लग जाए, इतना पतला हमें करना है, क्योंकि जितना हम पतला बनाएंगे उतना ही अच्छी हमारी लच्छे निकलेंगे, लेयर्स अच्छी बनेगी। आपको जितना बड़ा या जितना मोटा पराठा बनाना है उतनी बड़ी ही बॉल ले आटे की। अब ऊपर पर हम इसे घी से अच्छी तरीके से ग्रीस कर लेंगे और इस तरीके से बीच में हमें कट लगा लेना है, और एक साइड उठाकर हमें इस तरीके से कोन की शेप में रोल करते हुए जाना है। हमें कोई भी आटा या मैदा इस पे छिड़कने की ज़रूरत नहीं है, इसी सिर्फ हमें घी लगाकर इसे रोल करना है, बहुत ही अच्छे से हमारे लच्छे बन जाएंगे। अब इसे हमें इस तरीके से जैसा वीडियो में बताया गया है घुमाते हुए ऐसे हमें बंद करना है, और जो आखिर पोर्शन है उसे अच्छी तरीके से अंदर दबा लेना है ताकि जो पराठा हम बेलें तब वो खुले ना। इसी तरीके से सारे बनाकर रेडी कर लेंगे हम।
अगर आपका पराठा स्ट्रेच करते हुए फट जाए तो भी कोई बात नहीं है, हम इसे इस तरीके से रोल करके बंद कर लेंगे, कोई टेंशन की बात नहीं है इसमें। उसके बाद हमने जो लोइयां रेडी करी थी उसे घी लगाकर बेल लेंगे, थोड़ा थोड़ा बेलना है हमें, ज़्यादा पतली पराठा नहीं बनाना है, थोड़ा सा मोटाई में रखेंगे हम इसे और घी ही लगाएंगे हमें, क्योंकि ये घी वेस्ट नहीं जाएगा, हम जब इसे सेकेंगे तो ये घी ऑलरेडी लगा हुआ है तो हमें और घी लगाने की ज़रूरत नहीं होगी। बटर पेपर ले लेंगे, उस पर थोड़ा सा घी ग्रीस करके एक पराठा रख लेंगे। तो इसी तरीके से तह लगाते जाएंगे हम, एक बटर पेपर उसके ऊपर दूसरा पराठा, ऐसे ही हम कर लेंगे सारे रेडी करके। आप देख सकते हैं ऑलरेडी मैंने दो बना लिए हैं, इसे भी मैंने इस तरीके से रख लिया है, सारे बनाकर मैं रेडी कर लूँगी। इस तरीके से मैंने सारे रखे हैं एक के ऊपर एक, हमें किसी जिपलॉक बैग या फिर एक प्लास्टिक बैग में हम इसे रख लेंगे और फ्रीज़र में हमें इसे फ्रीज करना है, हमें इसे स्ट्रेट ही रखना है, बिल्कुल भी जाली वगैरह पर ना रखे, इससे ये मुड़ जाएंगे। तो फ्रीज़र से मैंने निकाल लिए है, ओवरनाइट रख चुके थे मैंने। अब एक बटर पेपर हटाकर एक पराठा हम निकाल लेंगे, पराठा सेकने से पहले हमें इसे 15 मिनट के लिए बाहर निकाल के रखना होगा, उसके बाद हम इसे आराम से डिमोल्ड कर सकते हैं। अब तवे को गर्म कर लेंगे, उस पर पराठा डाल देंगे हम। अब देख सकते हैं हमने कोई भी घी ऐड नहीं किया था, जो पराठे पर लगा हुआ घी था उसी से पराठा अच्छी तरीके से सिक जाएगा। उलट पलट कर हम इसे गोल्डन कलर आने तक सेक लेंगे। मीडियम फ्लेम पर हमें इसे सेकना है ताकि जो हमारे लच्छे हैं वो अच्छी तरीके से खुलकर आ जाए। देखिए माशाल्लाह बहुत ही अच्छा कलर आया हमारे पराठे पे। तो जरूर रेसिपी को देखे, पूरा वीडियो देखे, वीडियो स्किप करते ना देखे, पूरी वीडियो देखे, इससे हमें वीडियोस बनाने में और मोटिवेशन मिलता है। तो इस तरीके से हमारी पराठा सेक चुका है, अब हम इस आपको बताते हैं कि किस तरीके से हमारे लच्छे रेडी हुए। आप देख सकते हैं माशाल्लाह बहुत ही जालीदार लच्छा रेडी हुआ है। मैंने ये पतले पराठे बनाए हैं, आप चाहे तो मोटे बना सकते हैं। इस तरीके से उसे चाय के साथ सर्व करें या फिर किसी ग्रेवी के साथ भी आप इसे सर्व कर सकते हैं। तो ज़रूर बनाएं इस रेसिपी को। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।